रशीद ने फिर बता दिया कि अगर यश आउट हो गया तो मैं नायब कप्तान किस लिए बना के, इधर भुट्टे भुन्ने थोड़ी आया हूँ मैं 50 करूंगा, मेरा नाम एजाज अहमद की पर्ची थोड़ी है, मेरा नाम कासिम अकरम थोड़ी है कि मैं पांचवी पोजीशन के मैच में आके फिर जरूरी बेमायने रन करूंगा, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद थोड़ी है कि मैं क्वार्टर फाइनल में फेल हो जाऊंगा, मेरा नाम कुछ और नहीं है भाई, मैं प्रॉपर क्रिकेटिंग सिस्टम से आया हूँ, मैं नायब कप्तान हूँ इंडियन टीम, मेरा नाम है राज बाबा, राज बाबा प्लेयर ऑफ द मैच। उसके बाद रवि कुमार को 4 विकेट, दोनों पेसर्स ने तहस नहस कर दिया इंग्लैंड का, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जीता है, इनको शाबाश देनी चाहिए, इनको थपकी भी देनी चाहिए। राज बाबा, राज बाबा। दोस्तों, टीम इंडिया ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के खिताब पर 5वीं बार कब्जा किया है। उसने इंग्लैंड को फाइनल में 4 विकेट से हरा दिया। भारत के लिए निशांत संधू ने नाबाद 68 पारी खेली। उनके इस 68 की बदौलत भारत ने खिताबी मुकाबले में जीत हासिल की। निशांत के साथ साथ शेख रशीद ने भी हाफ सेंचुरी लगाई, जबकि राज बाबा ने खतरनाक गेंदबाजी करते 5 विकेट झटके। इससे पहले भारत ने साल 2008, 2012 और 2018 में भी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। इस खबर से पाकिस्तानी अपनी अंडर 19 टीम की खामियां निकालने में लग गए हैं, मगर एक अच्छी बात यह है कि वो भारतीय टीम की बढ़ाई भी कर रहे हैं और अपनी टीम का कंपैरिजन इंडिया की टीम से कर रहे हैं। भाई पन्ना ने अपना काम किया, मैं छक्के मारता हूँ देख लो, उसने अपना शोकेस किया टैलेंट। शेख रशीद ने फिर बता दिया कि अगर यश आउट हो गया तो मैं नायब कप्तान किस लिए बना के, इधर भुट्टे भुन्ने थोड़ी आया हूँ मैं 50 करूंगा, मेरा नाम एजाज अहमद की पर्ची थोड़ी है, मेरा नाम कासिम अकरम थोड़ी है कि मैं पांचवी पोजीशन के मैच में आके फिर जरूरी बेमायने रन करूंगा, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद थोड़ी है कि मैं क्वार्टर फाइनल में फेल हो जाऊंगा, मेरा नाम कुछ और नहीं है भाई, मैं प्रॉपर क्रिकेटिंग सिस्टम से आया हूँ, मैं नायब कप्तान हूँ इंडियन टीम, मेरा नाम है शेख रशीद और मैं जो है वो 1,35,00,000 लोगों का खिलाड़ी हूं। तो भाई ये वाली बात होती है, ये चीजें होती हैं। अब आप मुझे बता दे कहां स्टैंड कर रही है क्रिकेट यार हमारी या इंडियन अंडर 19? इंडियन क्रिकेट की जो डोमिनेशन रही है कई सालों से, उसके एक जो रीजन है वो ये है कि उनके पास डेप्थ ऑफ टैलेंट बहुत है, और आज हमने अभी थोड़ी देर पहले फिर देख लिया कि वो टैलेंट कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इंडिया ने जो है 5वीं दफ़ा आईसीसी यूथ वर्ल्ड कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में उन्होंने इंग्लैंड को अभी एंटीगा में शिकस्त दी, और व्हाट अ मैच, अ ग्रेट मैच, वेरी कॉम्पिटिटिव, वेरी वेल फॉट बाय बोथ टीम्स। लेकिन इवेंचुअली जैसे मैंने कहा था पहले ही वीडियो में कि इंडिया आर फेवरेट टू विन द फाइनल एंड दे वन द फाइनल एंड सम सुपर परफॉर्मेंसेस फ्रॉम दिस यंग इंडियन टीम। एक तो ये जो राज बाबा 5 विकेटें वर्ल्ड कप में, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स इन अ वर्ल्ड कप फाइनल। उसके बाद रवि कुमार 4 विकेटें, दोनों पेसर्स ने तहस नहस कर दिया इंग्लैंड का बैटिंग का टॉप ऑर्डर का। क्योंकि हिंदुस्तान जीता है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जीता है, इनको शाबाश देनी चाहिए, इनको थपकी भी देनी चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि आपके टीम में से आने वाले कुछ लड़के ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की जान से खेलेंगे। लड़के बहुत ही अच्छे, कैप्टन बहुत अच्छा है इनका, इंडिया का बहुत सेंसिबल है, बहुत ही ज्यादा सेंसिबल है। मुझे मजा आया देख के, हिंदुस्तान का फ्यूचर देख के कि यार हिंदुस्तान का फ्यूचर इन इज इन राइट हैंड्स। हिंदुस्तान की बैटिंग सिंस पार्टीशन वो अंडर 19 की हो या इंडिया की हो, इंडिया सीनियर टीम की हो, वो फैंटा लगाते हैं, उनके बाद दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन आते हैं, उनको उनके अंदर अक्ल होती है, उनको गेम स्ट्रक्चर पता होता है, उनको शॉर्ट जोन्स पता होते हैं, स्कोरिंग शॉट्स पता होते हैं। राज बाबा, राज बाबा प्लेयर ऑफ द मैच, राज बाबा 35 आउट, यही तो बता रहा हूँ, 5 आउट, 5 आउट, मतलब तो बताया मैंने, चांद तोड़ के ला दे अब क्या मतलब इससे।